एक छोटा सा प्रॉब्लम जो हमें किसी भी फंक्शन या कोड के पीस को शेयर करने में आता है वो ये है कि हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारे कोड की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है, जिस वजह से कोड शेयर होते वक्त काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको कोड का स्क्रीनशॉट लेना सिखाऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके आगे बढ़ो। फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले तो आपको एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा। तो आपको एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ सर्च करना है कोड स्नैपशॉट। कोड स्नैपशॉट सर्च करने के बाद जो पहला एक्सटेंशन आपके सामने आएगा वो रॉबर्ट जेड की तरफ से होगा, जिसके 7100 डाउनलोड्स ऑलरेडी हैं। हमें इसे सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन के बाद हमें वापस उसको कट करना है और यहाँ से फोल्डर्स को बंद करने के बाद हमें कंट्रोल शिफ्ट पी कमांड प्लेट को ओपन करना है। कमांड प्लेट को ओपन करने के बाद हमें यहाँ लिखना है कोड स्नैपशॉट और इस कमांड को ओपन करना है। कमांड ओपन करने के बाद हमें सिंपल अपने कोड को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा कोड यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं चाहूँ तो इसे सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा कोड यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं शो नंबर्स ऑफ लाइन ना करूँ तो लाइन्स शो नहीं होंगी। मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ जिस तरह का बैकग्राउंड मैं चाहूँ, लेकिन अभी ये सही है। तो इस तरीके से हम कोड का बड़ी आसानी से एक स्क्रीनशॉट लेके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे प्रेस करना है स्क्रीनशॉट और ये हमें आउटपुट में एक इमेज दे देगा जिसे हमें कहीं भी सेव कर लेना है। एज सिंपल, देखिए स्क्रीनशॉट हमारे डेस्कटॉप पे आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।